स्त्री है वह त्रिशला के झावर में, स्त्री है वह त्रिशला के झावर में, न झुकी वह इस दुनिया के भावर में, टूट कर भी पनप जाया करती थी, स्त्री है सबको बताया करती थी। उसने न जाने कितने वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, सूरज भी झुका झुककर नमन किया। तो मैं यहाँ पर जो कविता सुनाने आया था वो मेरी वीर रस की एक कविता है, मातृभूमि पर। ये मेरी पहली कविता है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि मातृभूमि का जर्रा जर्रा तड़प तड़प पुकार करे, अरे कोयलाल उठ इस माँ की धरा से पापियों का संहार करे। तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है, देख तेरे साथ माँ आई है। तू डरता है निज प्राण से, ये देख प्राण लाई है, अरे अब तो खड़ा हो जा लाल, देख तेरे साथ माँ आई है। अरे इस पावन धरा की वेदी पर कहीं मैं पापों से पिघल न जाऊं, कहीं सांसें चलती रहे पर सिसकियां ना ले पाऊं। अरे ना कोई जानता है इस माँ के पीड़ा को, इसने क्या क्या झेला है, अरे लाल अब तो तू ही है एक माँ की रक्षा को। उठ खड़ा हो जा और पापियों का संहार कर, देख तेरे लिए माँ ने रक्षा कवच लाया है। माँ आगे कह रही है कि क्या नब्जे शिथिल हो गई हैं तेरी जो हुंकार नहीं भरा जाता। वो हमारे देश के समस्त युवाओं को एक ललकार रही हैं। हमारे देश में इतनी विषमता फैली है, बहुत पहले से फैली थी, इस समय तक भी फैली है, हम और आप उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। माँ वो ललकार कर आपके पुरुषार्थ को धिक्कार रही है, कह रही है कि तो वो माँ कह रही है हमारी आगे कि क्या नब्जे शिथिल हो गई हैं तेरी जो हुंकार नहीं भरा जाता, क्या पुरुषार्थ नहीं है तुझ में जो बलिदान किया जाता। अरे कुछ तो लाज कर इस माता का जो तुमको अपनी गोदी में पाली है, अरे शर्माती है मुझको जो ऐसे बच्चों को पाली है। जब माँ इतना लोगों को धिक्कारती है तो उसमें से कोई भी युवा जाग सकता है, हम जाग सकते हैं, आप जाग सकते हैं, कोई भी जाग सकता है। वो जागने के बाद उसका कैसा रिएक्शन आ रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो अब बता रहा है कि हे माँ अब चैतन्य से चेतना जाग चुका है, हे माँ अब चैतन्य से चेतना जाग चुका है, इस अधरा से धरा पर पापियों का संहार करने का प्राण पत्र ले चुका है। अब तुझे कहने की जरूरत नहीं है माँ, अब ये तेरा लाल उठ खड़ा हो चुका है। कि निज पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण अब तेरे लिए अर्पित है माँ, जीवन मरण सुख दुख अब तेरे छाँव में समर्पित है माँ। हे माँ अब रक्त की ज्वाला है भड़की, इसको शांत करना आसान नहीं, इस धरा से पापियों का सांस लेना आसान नहीं। वो आगे कह रहा है जो जाग गया है, जो युवा जाग गया है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, चाहे जो हो सकता है। अब जागने के बाद वो आगे कह रहा है, हे माँ तू इतना दयालु है कि उनको भी अवसर देती हो, उनको मतलब पापियों को, दुष्टों को, इन्हीं सबको बोल रहा है कि हे माँ तू इतना दयालु है कि उनको भी अवसर देती हो, हे माँ तू इतना दयालु है कि उनको भी अवसर देती हो। अब तो रण में विजयी युद्ध होगा, विजयी वही जो तेरा भक्त होगा, अब अंतः मन से स्वतः प्रेरणा लेनी होगी, अब अंतः मन से स्वतः प्रेरणा लेनी होगी, युद्ध में हाहाकार मचानी होगी, उनको भी अपने इस विनाश को स्वतः आंखों से देखनी होगी, धू धू कर जलते रहेंगे पर बचने की अलख न होगी, सौगंध माँ भारती की यह निर्णय अंतिम होगी, सौगंध माँ भारती की यह निर्णय अंतिम होगी।